अच्छी घी वाला। एक गांव में मक्खीलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बहुत बड़ी दूध की दुकान थी। उस दुकान में वो दूध, दही और अन्य कई प्रकार की चीजें रखता था। अरे ये क्या, आज इतनी मक्खियाँ कहाँ से आ गई? अरे किसी के देखने से पहले इसे निकाल लेता हूँ। मक्खीलाल बहुत कंजूस था। ओ मक्खीलाल चाचा, मुझे 2 किलो घी देना। हाँ बेटा अभी देता हूँ। अरे ये क्या मक्खीलाल चाचा, इसमें तो मक्खी गिरी है। क्या मक्खी, दिखाओ तो जरा। लड़का मक्खीलाल को घी का डिब्बा दिखाता है। रुको बेटा, मैं तुम्हें अभी दूसरा घी का डिब्बा देता हूँ। मक्खीलाल उस घी के डिब्बे में से मक्खी निकालता है और वही डिब्बा उस लड़की को देता है। लो ये लो बेटा, अब ठीक है ना? हाँ मक्खीलाल चाचा, चलो अब मैं चलता हूँ। तभी उसकी दुकान में राजमहल से 2 सिपाही आते हैं। सुनो मक्खीलाल, दोपहर तक 40 किलो घी राजमहल तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ हाँ, मगर इतना घी, आज राजमहल में दावत है क्या? हाँ आज महाराज ने सभी मंत्रियों के लिए दावत रखी है। ठीक है, चिंता मत करो, आपको घी वक्त पर मिल जाएगा। सिपाही वहाँ से निकल जाते हैं और मक्खीलाल घी बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। सुनो सुखीलाल, आज दोपहर तक 40 किलो घी राजमहल में पहुंचाना है, चलो जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। पर मालिक, 40 किलो घी बनाने के लिए अपने पास इतना दूध ही नहीं है। एक काम करो, जितना भी दूध है उसमें आधा पानी मिला दो। हा? इससे काम हो जाएगा। पर मालिक, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, अगर ये महाराज को पता चल गया तो वो हमें दंड करेंगे। तुम चुपचाप अपना काम करो वरना निकल जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक। सुखीलाल दूध में पानी मिलाता है, फिर भी दूध कम पड़ता है। ये बताने सुखीलाल अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, मैंने दूध में पानी मिलाया फिर भी 40 किलो घी नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें? ठीक है ठीक है, तुम बाहर जाओ और दुकान संभालो, इसे मैं देखता हूँ। ठीक है मालिक। क्यों ना मैं इसमें वनस्पति तेल मिला दूं? मक्खीलाल पास ही में रखा वनस्पति तेल का डिब्बा उठाता है और घी में मिला देता है। वो वह घी का डिब्बा पूरा भर देता है। हाँ, अरे वाह, मेरा काम तो हो गया, अब इसे जल्दी राजमहल पहुंचाना होगा। मक्खीलाल घी का डिब्बा लेकर राजमहल जाता है और उसे देकर वापस घर आता है। सारे मंत्री राजमहल की दावत में आते हैं। दावत बड़ी शानदार होती है। राजा सभी मंत्रियों की खूब मेहमान नवाजी करता है। सभी मंत्री भरपेट खाना खाते हैं। खाना हो जाने के बाद सभी मंत्री राजा से मिलकर अपने घर निकल जाते हैं। उपहार के तौर पर राजा सभी मंत्रियों को एक एक मिठाई का डिब्बा देता है। अरे वाह, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, थोड़ी मिठाई मैं भी चख लेता हूँ। राजा ने बड़े मजे से वो मिठाई खाई। राजा की तरह मंत्रियों ने भी मिठाई का मजा लिया। मिठाई खाकर राजा बीमार पड़ जाता है। महाराज, सारे मंत्री भी आपकी तरह बीमार हुए हैं। क्या, ये कैसे हो सकता है? लगता है मिठाई में कुछ गड़बड़ थी। जाओ जाकर हलवाई को बुलाओ। जी महाराज। अरे ओ मूर्ख, तुमने ये कैसी मिठाई बनाई? तुम्हारी मिठाई खाकर सभी लोग बीमार पड़े हैं। महाराज, मैंने तो सभी चीजें बराबर डाली थी, मुझे नहीं पता महाराज। महाराज, मुझे लगता है कि मक्खीलाल की घी की वजह से यह सब हुआ होगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सब उस घी की वजह से बीमार पड़ गए हैं? हाँ महाराज, क्योंकि उस घी में से मुझे वनस्पति तेल की खुशबू आ रही थी। इसका मतलब मक्खीलाल मिलावट करके सभी को धोखा देता है। सेनापति, 2 सिपाहियों को मक्खीलाल के घर भेजो और नजर रखने बोलो। जी महाराज। सिपाही मक्खीलाल के घर के पास पहुंचते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। मक्खीलाल घी में वनस्पति तेल मिला रहा था। अरे ये क्या, ये मक्खीलाल तो मिलावट करके सभी लोगों को फंसा रहा है। हाँ हाँ,
हमें इसे रंगे हाथ पकड़कर महाराज के पास लेके जाना चाहिए। हाँ हाँ चलो जल्दी। सिपाही मक्खीलाल के घर जाते हैं और उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। घी में मिलावट करते हो? चलो चलो अब महाराज के पास चलो। नहीं मुझे माफ कर दो। चलो तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना। सिपाही मक्खीलाल को लेकर राजमहल आते हैं। महाराज इस मक्खीलाल को हमने रंगे हाथ पकड़ा है घी में मिलावट करते हुए। क्या इसका मतलब तुम सभी लोगों को फंसाते हो? मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। सेनापति इसे यहाँ से ले जाओ और काल कोठड़ी में डाल दो। नहीं महाराज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। महाराज मक्खीलाल की बात नहीं सुनते और सेनापति उसे काल कोठड़ी में डाल देता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच की वजह से हम हमेशा अपना और दूसरों का भी नुकसान कर बैठते हैं। आलसी ब्राह्मण। एक गांव में रामनारायण नाम का एक ब्राह्मण अपनी सुंदर और होशियार पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास बहुत बड़ी उपजाऊ जमीन थी जिसमें वो जो चाहे उगा सकता था। लेकिन एक बात थी कि रामनारायण बहुत आलसी था। वो जल्दी उठकर स्नान करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। अरे सुनो मुझे भूख लगी है, खाना दो जल्दी। रामनारायण के इस व्यवहार से उसकी बीवी तंग आ चुकी थी। चलो अब जल्दी से खाना खाकर खेत चलो, आज फसल काटनी है। पत्नी की बातों को नजरअंदाज कर रामनारायण खाना खाकर सो जाता है। अरे ये क्या, तुम वापस सो गए? उठो जल्दी और खेत में चलो, हमें फसल काटने जाना है। पत्नी की बात का ब्राह्मण पर जरा भी असर नहीं होता। वो अपनी पत्नी की तरफ एक आँख खोलकर देखता है और वापस सो जाता है। हे भगवान इनका आलस कब खत्म होगा, लगता है मुझे आज भी अकेले ही खेत जाना पड़ेगा। बेचारी पत्नी अकेली ही खेत जाती है और काम करने लगती है। वहाँ पर एक साधु आता है। सुनो बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ महाराज, लेकिन आपको हमारे घर आना होगा। हाँ। रामनारायण की पत्नी साधु को अपने घर ले जाती है। रामनारायण उस साधु को देखता है और भागते हुए उसके पास जाता है। रामनारायण साधु को पूरे आदर से घर के अंदर ले जाता है। वो और उसकी पत्नी साधु की बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। अरे बस बेटी बस, मेरा पेट भर गया। खाना हो जाने के बाद रामनारायण साधु के पैर दबाने लगता है। मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? महाराज वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक गुलाम चाहिए जो मेरी सारी बात माने और मेरा सारा काम करे। ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हें उसे हमेशा काम में व्यस्त रखना होगा, अगर तुमने उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। साधु के जाते ही रामनारायण के सामने एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट होता है। बोलो मालिक मैं आपकी क्या सेवा करूं? जाओ जाकर खेत में उगी बेकार घास निकाल दो। ये बात सुनकर राक्षस वहाँ से गायब होता है। अरे वाह ये तो अच्छी बात है, अब मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। मालिक काम हो गया, अब मुझे दूसरा काम दो। क्या इतने जल्दी? चलो मालिक मुझे दूसरा काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जाओ और पूरा खेत जोत के आओ। चलो अब उसे खेत जोतने में बहुत वक्त लगेगा, मैं जाकर खाना खा लेता हूँ। रामनारायण खाना खाने बैठा ही था तभी राक्षस वहाँ फिर आ पहुँचा। मालिक ये भी काम हो गया, अब मुझे जल्दी दूसरा काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे आओ अब मेरे पैर दबाओ। जो हुकुम मेरे मालिक। राक्षस रामनारायण के पैर जोर जोर से दबाने लगता है। अरे मूर्ख धीरे से, जरा धीरे धीरे। राक्षस उसकी बात नहीं सुनता। अरे बचाओ बचाओ, रोको कोई इस मूर्ख को।
अरे ये राक्षस मेरा इधर भरता बना रहा है और तुम हंस रही हो। अरे कोई तो रोको इसे। हाँ मैं इसे रोकती हूँ, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा। वचन? कौन सा वचन? आज से तुम खुद का काम खुद करोगे और कभी आलस नहीं करोगे। हाँ मैं वचन देता हूँ, लेकिन अब इसे रोको। सुनो, ये पाँव दबाना बंद करो और घर के बाहर हमारा कुत्ता मोती है, जाओ जाकर उसकी पूछ सीधी करो। जी मालकिन। राक्षस बाहर जाकर कुत्ते की पूछ सीधी करने में लग जाता है। अरे इसमें क्या है, वो तो ये काम तुरंत कर लेगा। नहीं नहीं, वो ये काम कभी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि कुत्ते की पूछ भी कभी सीधी होती है भला। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उस दिन से ब्राह्मण रोज खेत जाने लगता है और अपना काम खुद करने लगता है। तुम अभी भी पूछ ही सीधी कर रहे हो। ब्राह्मण की पत्नी ने राक्षस को कौन सा काम दिया और क्यों, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सोने का चूहा। पाटलिपुत्र नगरी में धर्मदत्त नाम के व्यापारी की एक बड़ी सी मिठाई की दुकान थी। उस दुकान की मिठाई बहुत प्रसिद्ध थी। भाई धर्मदत्त, मिठाई का तो कोई जवाब नहीं। पूरे पाटलिपुत्र में इस मिठाई जैसा स्वाद कहीं पर भी नहीं मिलता। शुक्रिया। नहीं, मुझे चाहिए मिठाई। पिताजी, मुझे मिठाई चाहिए। मिठाई खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है बेटा। धर्मदत्त स्वभाव से बहुत दयालु था, वो हर किसी की मदद करता। पर मालिक, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा बेटा भी इसी के उम्र का है। और हाँ, अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हारा आशीर्वाद ही दे दो। भगवान आपको और आपके परिवार को सदा खुश रखे। जहाँ एक तरफ लोग धर्मदत्त और उसके परिवार को आशीर्वाद देते थे, वहीं दूसरी तरफ उसके दो छोटे भाई मन ही मन उसकी तरक्की से जलते थे। अरे इसी तरह ये मुफ्त में मिठाई बांटेगा तो जल्द ही दुकान का दिवाला निकल आएगा। भाइयों के इस स्वभाव की धर्मदत्त को जरा भी भनक नहीं थी। वो अपने भाइयों से उतना ही प्यार करता था जितना वो अपनी पत्नी सुशीला और अपने बेटे कुमार से करता था। धर्मदत्त के दोनों भाई और उनकी पत्नियां धर्मदत्त के साथ एक ही मकान में रहते थे। दोनों भाइयों के भविष्य को लेकर धर्मदत्त चिंतित था। उसे अपना व्यापार बढ़ाना था और उसी सिलसिले में एक दिन वो नदी से होकर बाहर गाँव जा रहा था। अचानक नदी में तेज बाढ़ आई और धर्मदत्त की नाव उलट गई। धर्मदत्त की मृत्यु हो गई। धर्मदत्त की मृत्यु के बाद उसके दोनों भाई उसकी दुकान और मकान पर कब्जा कर लेते हैं। अब इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, निकल जाओ यहाँ से। भाइयों के इस बर्ताव से सुशीला बहुत दुखी हो जाती है और शहर छोड़कर एक छोटे से गाँव में आकर रहने लगती है। सब कुछ खो देने के बावजूद भी सुशीला हार नहीं मानती। वो लोगों के घर में बर्तन मांझकर अपना गुजारा करती है। अरे ये क्या, अभी तक बर्तन ही मांझ रही हो? जल्दी करो, तुम्हें ये कपड़े भी धोने हैं। अरे अभी तक काम खत्म नहीं हुआ और ये कपड़े कौन धोएगा? भगवान, तुम तो बड़ी आलसी निकली। माँ का ये हाल मैं नहीं देख सकता, मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ कुमार, इतने उदास क्यों हो? माँ, मुझसे ये तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। एक दिन मैं भी अपने पिताजी की तरह बड़ा व्यापारी बनूंगा, फिर तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूर बनोगे बेटा, पर व्यापार के लिए थोड़ा धन भी आवश्यक है, वो कहाँ से लाओगे? सुना है कि इस नगरी में विशाल दत्त नाम का एक व्यापारी है जो होशियार और हुनहार लड़कों को पैसे उधार देता है। तुम बिल्कुल तुम्हारे पिताजी की तरह हो, जाओ बेटा, तुम कामयाब होगे। मदद मांगने के लिए कुमार विशाल दत्त के यहाँ जा पहुँचता है।
अरे भाई, मैं तुम्हें पैसे कैसे दूं भला? कोई जान ना पहचान और तू मेरा मेहमान। इनकार मत कीजिए महोदय, मैं बड़ी अपेक्षा से आपके पास आया हूँ। मैं धर्मदत्त का बेटा हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी थे। क्या सच में तुम धर्मदत्त के बेटे हो? अरे धर्मदत्त तो काफी हुनहार और काबिल व्यापारी था, लेकिन मुझे तुम में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कुमार की बातों से विशाल दत्त प्रभावित होता है। वो कुमार के हुनर को आजमाने की सोचता है, तभी उसकी नजर एक मरे हुए चूहे पर पड़ती है। एक हुनहार और कुशल व्यापारी इस मरे हुए चूहे को लेकर भी बहुत कुछ कर सकता है। क्या तुम में ये काबिलियत है? कुमार मन ही मन निश्चय करता है। जी आभारी हूँ महोदय, मैं मरे हुए चूहे से ही काम चला लूंगा। कुमार मरा हुआ चूहा लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। अरे ए, ए, ए। रास्ते में एक मूंगफली बेचने वाले दुकानदार की बिल्ली बहुत उछल कूद कर रही थी। अरे कोई इस बिल्ली का मुंह बंद करेगा, परेशान कर दिया है इस बिल्ली ने। तभी कुमार वो मरा हुआ चूहा लेकर उस दुकानदार के पास जाता है। महोदय मुझे लगता है कि आपकी बिल्ली को भूख लगी है। मेरे पास ये मरा हुआ चूहा है जो मैं इसे खाने के लिए दे सकता हूँ। जल्दी दे दो भाई। लेकिन उसके बदले 4 मुट्ठी मूंगफली आपको मुझे देनी होगी। ठीक है पहले उस बिल्ली को चुप कराओ यार। कुमार वो मरा हुआ चूहा बिल्ली के सामने रखता है। बिल्ली चूहे पर झपट पड़ती है। दुकानदार खुश होकर कुमार को 4 मुट्ठी मूंगफली दे देता है। मूंगफली लेकर कुमार निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ लकड़हारे नजर आते हैं जो काफी भूखे हैं। कुमार लकड़हारों को मूंगफलियां देता है। लकड़हारे खुश होकर मूंगफलियां खाते हैं। शुक्रिया बेटा, पर हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं लकड़ियों से ही काम चला लूंगा। लकड़हारे कुमार को लकड़ियां देते हैं। वो लकड़ियां कुमार बाजार में जाकर बेचता है और मिले हुए पैसों से वो और मूंगफलियां खरीदता है। वो मूंगफलियां जाकर लकड़हारों को देता है। लकड़हारे उसे दोबारा लकड़ियां देते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता है। आखिर कुमार उस शहर का बड़ा लकड़ियों का व्यापारी बन जाता है। कुमार की ये तरक्की देख माँ बहुत खुश हो जाती है। अपनी मेहनत और होशियारी से कुमार बहुत सारा पैसा कमा लेता है। इसे कहते हैं बाप से बेटा सवाई। इसने तो धर्मदत्त का नाम और भी रोशन कर दिया। सही कहा भाई, बेटा हो तो कुमार जैसा। प्रणाम महोदय। प्रणाम। लेकिन माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं कुमार, धर्मदत्त का बेटा हुँ? जिसे आपने एक मरा हुआ चूहा दिया था। ओह, उसका ऋण मैं चुकाने आया हूँ। कुमार एक छोटा सा बक्सा विशाल दत्त के सामने रख देता है जिसमें एक सोने का चूहा है। तुम वाकई में बहुत होशियार और हुनहार निकले कुमार बेटा। इस सोने के चूहे पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। ये तुम्हारी मेहनत और लगन का प्रतीक है, इसलिए तुम इसे अपने पास रखो। तुमने एक मरे हुए चूहे से अपना उत्कर्ष साधा है, इसीलिए तुम्हें आज से मूषकवाणी नाम से ही जाना जाएगा और तुम्हारे कीर्ति का डंका चारों देशों में बजेगा। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। दोस्तों, कुमार विशाल दत्त को सोने का चूहा क्यों देना चाहता था, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।